आशीर्वाद लेने के लिए आपका उम्मीदवार आपका बीच में समय के देखते हुए अपना उम्मीदवार सिन्हा जी हमारे बड़े भाई माननीय रविशंकर प्रसाद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार विधानसभा में और आपके बांकीपुर के लाल और नगर विकास साहू समाज में उपस्थित होंगे। बस 5-7 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता और मातृशक्ति और युवा पुराना मकान हवेली की तरह हुआ करता था। आपके रविशंकर प्रसाद जी का ननिहाल यही था। ये बचपन में यही तो के बीच आज नहीं है। स्वर्गीय सौदागर प्रसाद यादव जी राम प्रसाद यादव जी आज नहीं है। उनके पास पटना साहिब 4 लाख पार, अब की बार 4 लाख पार, अब की बार आज भारत सरकार संत खत्री जी मन का संचालन करे। इस विद्यालय मंडल के अध्यक्ष पप्पू जी मंच पर आए। इस क्षेत्र के प्रख्यात डॉक्टर मंच पर आने का कष्ट करें। पटना के पूर्व मेयर संजय कुमार जी अभी वहां पर है, मंच पर आने का कष्ट करें। वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री रविशंकर प्रसाद जी का पुष्प पुष्प देकर स्वागत करेंगे। राजेश जी माननीय मंत्री जी को पुष्प पुष्प देकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे अंजू आर्जा जी का अंजू आर्जा जी मंच पर आने का कष्ट कर लीलावती देवी जी बीच में पुराने कार्यकर्ता हैं जो हम लोग के बीच में जब मोदी जी इधर से चुनाव लड़ते थे उस समय से बहुत हम आने का कष्ट करें। आलोक भैया चतुर्भुज भैया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। अब आई भैया अरुण जी एडवोकेट अरुण कुमार जी चंदा सहनी जी मनीष मेहता जी सुरेश प्रसाद लंगट सुनीता देवी शिवशंकर जी नितिन नवीन जी मंत्री जी को सीधा आपसे संवाद करने का और माननीय हमारे मंत्री को हम सबको ही अपने सांसद को सुनना चाहते हैं तो मैं उसके पहले आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय रविशंकर प्रसाद जी का अभिवादन कीजिए और मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं क्योंकि रात्रि में आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आप सबका भी अभिनंदन क्योंकि समय की कमी है 10 बजे के पहले प्रचार को समाप्त होना होता है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना भी समय पूरा समय माननीय सांसद जी को दूं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करता हूं और सबसे संबोधित नितिन नवीन जी लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ मंत्री मंच पर सारे बैठे नेता और आप
खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन का दो इंस्पेक्टर सामने खड़ा है, देखा है ना आप, बस घूम रहे हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, पहले आप सबको प्रणाम करते हैं, थोड़ा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, भैया आप थोड़ा साइड में होइए प्लीज, साइड वकील को हल्काना पड़ता है ना, है ना, ठीक है चलेगा ना, तो ताली बजा दी इसी बात पर। के बारे में मुझे एक बात कहनी है, ये चुनाव कोई मुखिया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई सरपंच का, जिला परिषद का, मेयर का, डिप्टी मेयर का, ये विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तीन चार दिन पहले पटना आए थे, लाखों पटना के वासियों ने स्वागत किया। पहले हम लोग की इच्छा थी कि भटदाई रोड से तिरमोहानी, कदम कुआं, साहित्य सम्मेलन, एसटी सबन स्कूल होते हुए वो ठाकुरबाड़ी से आगे जाएं बागरगंज गली में, तो उनके सुरक्षा वाले विरोध कर रहे थे, उतरे बोले कि रवि हम पूरा जाएंगे गांधी मैदान पर। हम बहुत खुश हो गए, इतनी भीड़ बाकरगंज में, भाइयों और बहनों मैं क्या बताऊं, मैं तो रथ पर था उनके साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, जिस छज्जा पर 10 लोग की जगह है वहां 100 लोग चढ़े हुए हैं, महिलाएं दीपक से उनका स्वागत कर रही हैं, फूल फेंक रही हैं, और मोदी जी ने सबको हाथ दिखा के लाके प्रणाम किया, झुक कर प्रणाम किया। सुबह 4 बजे उठे, इको पार्क में 4 लोग को 5 बजे 6 बजे इंटरव्यू दिया, और 7:30 बजे तक हरिमंदिर पहुंच गए पटना सिटी। नंदकिशोर जी हम भी खड़े थे वहां, बज्रासन में बैठकर ग्रंथ साहब को 7 बार झुक करके प्रणाम किया। बज्रासन जानते हैं ना, योग हम लोग भी करते हैं, बज्रासन बहुत कठिन होता है, घुटना मोड़ के बैठना पड़ता है। लंगर में गए, खीर चला के खीर पकाया, 500 लोगों को खीर खिलाया, फिर रसोई घर में गए, बड़ा सा रोटा को गूथा और रोटी को सेका, आप समझ सकते हैं। फिर वहां से निकले हवाई अड्डा, एक भाषण दिया हाजीपुर में, दूसरा दिया मुजफ्फरपुर में, तीसरा दिया छपरा में, वहां से उड़ करके काशी पहुंचे, काशी में 10 लाख लोगों का रोड शो किया, नेक्स्ट डे गंगा मैया को प्रणाम करके पूजा करके अपना नामांकन किया काशी से, और फिर रवाना झारखंड पलामू। ये हैं आपके प्रधानमंत्री, गरीबों की चिंता करते हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। कोरोना में आप लोग को टीका लगा था कि नहीं लगा था, याद है ना, लगा था ना, इसी से कोई राशि ली गई थी क्या, क्या हिंदू मुसलमान में कोई भेद किया गया था, क्या अगला पिछड़ा में कोई भेद किया गया था, कोरोना का टीका कहां आती थी याद है कि भूल गए आप लोग, याद है कहां आती थी, मोबाइल पे ना, मंत्री के रूप में। मोदी जी ने कहा इस बात की चिंता करो, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पीएमओ, डिजिटल इंडिया देखते हुए प्रदेश सरकार से बात करो, सब सूचना जानी चाहिए मोबाइल पर, आ गई ना, तो देखिए तो एक यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां रिकॉर्ड, जेकरे हाथ में देखा स्मार्ट फोन ही हो, टंटनावा ही सब ना, यही तो है डिजिटल इंडिया, ये काम तो। आज मैं बता रहा हूं कैसे हो गया ये, 3 तलाक समाप्त हो गया ना, इतनी बहनें बैठी हैं, देश के कानून मंत्री के रूप में ये काम मुझे ही करने का सौभाग्य मिला मोदी जी के आदेश पर, याद है ना, क्या था 3 तलाक, तलाक 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 कह दिया, शादी खत्म, अधिकांश मुस्लिम देशों में नियंत्रित हो गया, और आप लोग बताइए सब्जी बाग में इस बात बगल में, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या ईरान, क्या इराक, क्या अफगानिस्तान, क्या मलेशिया, क्या इंडोनेशिया, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि वोट बैंक। आपको बताऊं, हम जब रिसर्च कर रहे थे, पत्नी सुबह में लेट से उठी, पति ने कहा तलाक तलाक तलाक, रोटी जली हुई बन के बनी, पति ने कहा तलाक तलाक तलाक,
एक पत्नी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने चली गई, लौट के आई, पति ने कहा तलाक तलाक तलाक। एक आईटी प्रोफेशनल हमसे मिलने आई थी कि मुझे तीसरी बेटी हुई है, व्हाट्सएप पर कर दिया तलाक तलाक तलाक। क्या मतलब है, ये क्यों होना चाहिए? नरेंद्र मोदी बहादुर नेता खड़े रहे, उनके सिपाही के रूप में रविशंकर खड़े रहे, कानून पास हो गया कि नहीं हुआ बताइए। और 370 था तो की सुनवाई नहीं थी, 370 था तो अगर कश्मीर के कोई मुस्लिम महिला भी अगर दिल्ली या पंजाब के मुसलमान से शादी करती थी तो उसको पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, कई कानून नहीं लगते थे। आज ठंडा है ना, जहां पाकिस्तान के झंडे लहराते थे वहां तिरंगा लहराता है, रामनवमी पर प्रदर्शन होता है, होती है शिवरात्रि पर लाल चौक में कीर्तन होता है और ईद भी मनती है, मुहर्रम का ताजिया भी निकलता है। आतंकवादी सब टेक उड़ान कर गए ना, और याद करिए क्या कहा गया था, 370 हटाओगे तो देश में आग लग जाएगी, याद है ना? पाकिस्तान हमला कर दिया तो पटना भाषा में शुद्ध बोली और ठेंगा से है ना, हो गई कि ना बोलू। ये हम मोदी जी, राम मंदिर बन गया जैसा बताया नितिन बाबू ने, मैं तो प्रभु राम का वकील ही था, 500 साल प्रभु राम को रहना पड़ा, लड़ाई हुई हाईकोर्ट में, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला हिंदुओं के वकील थे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ हम देश के कानून मंत्री थे, रामलला टेंट में भींगते थे, पानी टपकता था, लेकिन आदेश था कोर्ट का कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा चिप्पी भी नहीं लगेगा, और कोर्ट तब आदेश करेगा जब फैजाबाद का कमिश्नर अनुशंसा करेगा, अनुशंसा करता नहीं था, चिप्पी लगती नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सख्त बहस हो गई, क्या मतलब है हमारे भगवान भींग रहे हैं पानी में, सम्मान करिए हमारे भगवान का। सुनवाई हुई, आज देखिए इस बार रामनवमी में पर सूर्य से अभिषेक हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा था देखो प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं, 500 साल के बाद तो उनका अभिषेक होना चाहिए। आज देखिए तो 370 चला गया, तीन तलाक चला गया, प्रभु राम का मंदिर बन गया, गरीबों की चिंता हो रही है, आज बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ाती हैं, और आज जब मैं सब्जी बाग के बगल में बोल रहा हूं तो बोलना चाहता हूं आज मुस्लिम समाज की बेटियां भी एयरफोर्स के पायलट बन रही हैं और बॉक्सिंग कर रही हैं। ओके तो बहू कहां से लाओगे, बस ताली बजने लगी, लोग रोने लगे, मोदी जी ने कहा फिर कहा सुनो मेरी बात, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। आज पूरा देखिए वहां स्थिति बदल गई है, आज देख रहे हैं कितना सड़क बन रही है, आज गंगा क्यों नहीं काम करेंगे, कोई जनता देती है वोट तो एक तरफ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी काम करते हैं, नीतीश कुमार काम करते हैं, और हम तो नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं तो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, हम चिराग पासवान के भी उम्मीदवार हैं, हम जीतन राम मांझी के भी उम्मीदवार हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार हैं, यही तो है। और जो व्यापारी यहां बैठे हुए उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका व्यापार तभी चलेगा जब शांति रहेगी, आपका व्यापार तभी चलेगा जब स्थायित्व रहेगा, याद करिए पुरानी बातों को। यहां बताऊं मैं क्या खौफ क्या अपहरण, रविशंकर प्रसाद सिर्फ रामलला के वकील नहीं रहे, याद है ना चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी करवाने वाले वकील रविशंकर आपके सामने खड़े हैं, याद है ना, स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे अलकतरा घोटाले में, सब जेल में गए, तब कश्ती को निकाल कर लाए, और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी मैं लेता हूं, और उन्हें देखिए इधर तो मोदी जी हैं, अब फिर आ रहे हैं दो दिन बाद, बिहार घूम रहे हैं, लोगों से नाता जोड़ रहे हैं, मिलेंगे घूमेंगे वोट मांगेंगे आशीर्वाद देंगे बिहार के विकास की बात, और उन्हें क्या हाल है, अपने हैं, अपनी पत्नी है,
बेटा नंबर एक है, बेटा नंबर दो है, बेटी नंबर एक है, बेटी नंबर दो है, हम किसी का नाम तो लेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही तो हाल है। तो एक तरफ क्या है, बिहार मतलब मेरा परिवार, है ना, ये हाल है। उत्तर प्रदेश में खिलाफ में पार्टी है, उत्तर प्रदेश मतलब मुलायम सिंह का परिवार है, ममता जी का हाल भी वही है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, वोट देना है। अब मोदी जी को वोट देना है तो एक तारीख को मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, पहले मतदान फिर जलपान, तो आप लोग चौका में ताला मार दीजिए, समझ गए ना, कि जा पहले वोट दे के आओ तो नाश्ता बंद हो, ठीक है ना। और देखिए मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, बहुत लंबी बात करने का मन था, अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलके बिरला मंदिर के बगल में, लेकिन ये भी हमको देख रहे हैं, हम देश के कानून मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो हम तो कानून का उल्लंघन और भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर 10 बजे ही फुल स्टॉप करेंगे तो हम 10 मिनट पहले ही हम बंद कर देंगे, तो कहीं ये कहेंगे आपका गाड़ी गड़बड़ था तो और परेशानी हो जाएगी। आपसे मैं क्या अपील करने आया, इस बार पटना में रिकॉर्ड वोटिंग कर दीजिए प्लीज। जो पूरा लोग कहते हैं कि पटना में वोट कम होता है, तो इस बार आप लोग वोट दीजिए, देश भर में जबरदस्त हवा चल रही है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी एक पत्रकार आए थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी गए थे जहां से चिराग पासवान की पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उनका निशान हेलीकॉप्टर है, तो कोसी नदी के पार भाजपा की कार्यकर्ता प्रचार करने गई, तो वहां गरीब मैदान ने कहा हमारा मूर्ख ना बनावा, हमारा मोदिया के वोट देवला है, मोदिया के फूल छाप है, हेलीकॉप्टर कहां से आ गए, उनको समझाया का नहीं, बताओ तुम भाजपा क्यों, पहले समझाओ। ये है प्रेम, मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है आप सभी जानते हैं, जिस तरह उज्ज्वला योजना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय योजना आई, स्वच्छ भारत, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजनाएं बोल रही है, तो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भारत का परचम लहराया हुआ है, और किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है टोटा करे, अगर टूटा करलवा तो एक दिन में मालूम है ना सर्जरी हो जाती है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत माता की, भारत माता की, बोलिए जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहेंगे कि आप आ जाए और आपका सम्मान यहाँ पे होगा। मनीष मेहता जी और अरुण कुमार जी, और मैं अपने ही शब्दों में मंडल अध्यक्ष जी का, मंडल की पूरी टीम का, अरे मैं मंडल अध्यक्ष और उसकी टीम बोलता हूँ तो सभी कार्यकर्ता आ जाते हैं, ठीक है, और अपने वरिष्ठ राजेश कुमार जी का, उमेश सहनी जी का, संजय भैया का, बबलू भैया का, और सभी वरिष्ठों का अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, और मंच पे अपने मंडल की टीम का सबका हम एक बार जोरदार तालियों से इन सब का अभिवादन कर लीजिए भाई। अनिल सहनी जी की माता जी, एक बार सभी महिलाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आज पूरी टीम ने, विश्वविद्यालय मंडल ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसलिए मैं टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, ने फिर मेरा तुम्हें हिसाब किताब कर दोगे, ठीक है, तो सबको जय श्री राम, बैठक कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सब।